गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हमारी टेक्नोमेट्रिक सीरीज का दूसरा टॉपिक है जिसका नाम है टेक्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेशल एंगल। इसमें हम पांच एंगल के लिए टेक्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालना सीखेंगे। वो एंगल है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन चार एंगल्स के लिए हम वैल्यू निकालना सीखेंगे सभी टेक्नोमेट्रिक रेशियोज। तो आप शुरू करते हैं, तो सबसे पहले जो सबसे आसान होगा, तो हम सबसे पहले निकालने जा रहे हैं फॉर एंगल 45 डिग्री। अब हम 45 डिग्री एंगल के लिए वैल्यूज को निकालना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम एक कंसीडर करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। तो जैसे राइट एंगल ट्रायंगल मैंने कंसीडर किया और हमें चूंकि 45 के लिए निकालना है, तो हम एक एंगल इसका 45 लेट कर लेंगे। ये थीटा 45 है। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल लिया तो 190 तो होगा, क्योंकि हमें 45 के लिए निकालना है। तो अच्छा, ये सभी जानते हैं 45 एंगल के लिए मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए, तो एक एंगल मैंने 45 मान लिया, दूसरा आपका 90 डिग्री है ही है, तो मैंने कंसीडर क्या किया इसमें राइट एंगल ट्रायंगल। तीसरा आप ट्रायंगल से निकालोगे तो ये 45 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि अगर दो एंगल इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड की लेंथ भी क्या होगी, इक्वल होगी। इसका मतलब कि आप लिख सकते हो कि सिंस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, सो एंगल ए के अपोजिट साइड क्या है, बीसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीसी और सी के अपोजिट साइड क्या है, ए बी, बीसी इज इक्वल टू ए बी हो जाएगा। अब बीसी और ए बी इक्वल हो गए तो इसको हम कुछ लेट कर लेते हैं, जैसे ए लेट कर दिया, सपोज दैट यहां पे लिख देना कि हमने इसको ए लेट कर दिया। ठीक है, तो ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया। अब आप पाइथागोरस लगा दीजिएगा, मैं आशा करता हूं कि आपको आती ही होगी। तो अगर आप पाइथागोरस लगाओगे तो ये साइड रूट टू ए आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए हम इस एंगल पर चर्चा कर रहे थे, तो ये एंगल ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज। अब जब आपको ये तीनों चीजें पता हो गई हैं, तो आपको पता है कि हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर हम निकाले साइन थीटा, ठीक है, तो कितना आएगा, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, और थीटा की जगह हम कितना रखेंगे 45 डिग्री, परपेंडिकुलर की जगह हम रखेंगे ए और हाइपोटेन्यूज की जगह रूट टू ए, 1/√2। कितनी वैल्यू आई, 1/√2। इसका मतलब साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। अब कॉस 45 कॉस थीटा इक्वल टू d/h, थीटा की जगह क्या रखेंगे हम 45 डिग्री। ठीक है, और बेस की जगह क्या लिखेंगे, a, और हाइपोटेन्यूज की जगह √2a, a फिर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी कॉस 45 की वैल्यू 1/√2। अब कॉस 45 के बाद अगर हम टेन थीटा निकालें तो p/b होता है, तो टेन 45 की वैल्यू क्या होगी, टेन 45 परपेंडिकुलर भी आपका ये है और बेस भी आपका ये, कट के एक आ गई, तो टेन 45 की वैल्यू एक आ गई। इसी तरह कॉट 45 निकालोगे, चलो पार्ट निकाल लीजिएगा, हाँ चलो पार्ट 45 निकालते हैं, कॉट थीटा तो वो होता है b/p, तो यहां हो जाएगा कॉट 45 इक्वल टू बी की जगह ए, ए की जगह ए, कट के 1 आ गई, तो कॉट 45 की वैल्यू भी 1। इसके बाद आप चाहो तो sec 45 भी, sec थीटा भी निकाल लो, कोसेक भी निकाल सकते हो, इतने आप इतना तो नहीं आप कर लीजिएगा, आप समझ गए ना टेक्निक कैसे करना है। थीटा की जगह क्या रखोगे, sec 45 और हाइपोटेन्यूज की जगह क्या लिखोगे, √2a, इसकी जगह क्या लिखोगे a, तो कट के कितना गए, इसी तरह हम cosec 45 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, जो मैं आपको यहां दिखा दे रहा हूं cosec 45, तो cosec 45 इक्वल टू क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज कितना है √2a अपॉन a, a कट गया तो इसकी वैल्यू भी √2। तो इस तरह मैंने देखा साइन 45 की वैल्यू 1/√2, cos 45 की वैल्यू 1/√2, tan 45 की वैल्यू 1, पार्ट 45 की वैल्यू 1, sec 45 की वैल्यू √2। और इसके लिए मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल लेट किया था और एक एंगल थीटा 45 लेट किया। अब हम लोग बात करेंगे फॉर एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री।
अब हम 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए एक साथ पढ़ते हैं। तो फॉर एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, तो इसके लिए हम एक आइसोसेलेस इक्विलेटरल ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। तो लेट अस कंसीडर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या कर लिया, कंसीडर कर। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब मान लो कि एक समबाहु, इक्विलेटरल ट्रायंगल को जान लीजिए समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। ठीक, अब तो आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाइए, पहले ये बन गया, ठीक है। इसके आपको पता होगा कि इसकी सारी साइडें सेम होती हैं, तो मान लो ए है, और आपको पता होगा हर एंगल 60 डिग्री का होता है, जो परपेंडिकुलर डाला जाता है वो बेस को बाइसेक्ट करता है। तो आप पहले परपेंडिकुलर डालते हैं, ठीक है, ये साइन वो बेस को क्या कर देता है, परपेंडिकुलर डालते हैं, बेस को बाइसेक्ट कर देगा। सपोज दैट अगर बीसी को हमने ए माना है तो ये बीडी ए बाई टू हो जाएगा और सीडी भी ए बाई टू हो जाएगा, और ये भी आपका कितना होगा, ये आपका ए होगा क्योंकि इक्विलेटरल है, ये भी ए होगा, ठीक है। ये साइड मैंने ए मान ली है। अब आप पाइथागोरस से इस साइड को अब देखिए, अच्छा ये पता है, देखो इक्विलेटरल के सारे एंगल 60 होते हैं, तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, और ये जानो जब ये परपेंडिकुलर डाला जाता है तो ये एंगल आधे आधे हो जाते हैं, तो ये 30 डिग्री हो गया, ठीक है। अच्छा पाइथागोरस से हम इस साइड को पता कर लेते हैं, तो आप इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा दीजिए, इन ट्रायंगल ए डी बी में पाइथागोरस लगाते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर ए डी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर मतलब बी डी स्क्वायर। अब वैल्यू रख दीजिए ए स्क्वायर ए डी स्क्वायर प्लस ए बाई टू का होल स्क्वायर। इसको उधर ले गए तो कितना आएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई फोर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। अब आप इसको माइनस कर लीजिए, तो जब आप इसे माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा, थ्री ए स्क्वायर बाई फोर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। तो आपका ए डी कितना निकला, ए डी निकला रूट थ्री ए बाई टू, ए डी निकल आया। तो ये साइड आपकी कितनी निकल आई, रूट थ्री ए बाई टू। अब आप 30 डिग्री और 60 डिग्री दोनों एंगल इसमें मिल जाते हैं ना, राइट एंगल ट्रायंगल में, तो दोनों चीजों को आप यहां से कर सकते हैं। बस आपको फिर वो जो मैंने आपको पहली क्लास में पढ़ाया था इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कि हर एंगल के लिए परपेंडिकुलर सामने वाला होता है, अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, एडजेसेंट साइड जो होती है वो बेस होती है। तो 60 के लिए अपोजिट साइड कौन है, रूट थ्री ए बाई टू, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनस। 30 के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये तो हम लिखते हैं फॉर एंगल 60 डिग्री और फॉर एंगल 30। तो फॉर एंगल 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा रूट थ्री ए बाई टू, बेस हो जाएगा ए बाई टू, हाइपरटेनस हो जाएगा ए, और इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा रूट थ्री, परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बाई टू, 30 के सामने ये पड़ता है, और बेस हो जाएगा रूट थ्री ए बाई टू, और हाइपरटेनस हो जाएगा ए। तो नाउ अब हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा सब निकाले, तो साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, तो 60 माने परपेंडिकुलर अपॉन एच, रूट थ्री ए बाई टू बाई ए कैंसिल, रूट थ्री ए बाई टू। कॉस 60 की निकालोगे तो बेस अपॉन हाइपरटेनस, तो ये हो जाएगा ए बाई टू अपॉन ए कैंसिल वन बाई टू। इसके बाद आप टेन 60 निकाल सकते हो, तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आएगी, परपेंडिकुलर की वैल्यू आई रूट थ्री ए बाई टू अपॉन ए बाई टू,
इसी तरह आप कॉर्ड सेट निकाल लोगे और इसमें भी जब परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज आपको मैंने बताया था इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कि जब ये तीनों चीजें पता होती हैं तो हम सब चीजें निकाल सकते हैं। अब आप इसको नोट कर लीजिए, इसके आगे की एंगल के बारे में हम आपको, चलिए अब हमारे दो एंगल बचते हैं, फॉर एंगल 0 डिग्री एंड फॉर डिग्री और फॉर एंगल 90 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकालना पड़ते हैं। तो अब हमारी नेक्स्ट रीडिंग है फॉर एंगल 0 डिग्री। तो आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में ये थीटा होता है, ये 90 डिग्री होता है, तो ये इसके सामने की साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं, ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, इसमें को पता है। अब बात आती है हमें 0 डिग्री के लिए पढ़ना है, मतलब ये एंगल 0 होना चाहिए। 0 होने का मतलब ये वाली लाइन उठते 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 गिरते गिरते यहाँ आएगी। तो जरा समझते हैं कि अगर हम इसको गिराए एंगल तो किस पर कितना फर्क पड़ेगा, हमें देखना है किस पर इफेक्ट पड़ता है। तो अगर मैं एंगल को छोटा करता हूं तो किस पर कितना फर्क है? तो सबसे पहले मान लो मैंने एंगल को छोटा करके छोटा किया थोड़ा सा, तो हाइपोटेनस अब यहां पे पहुंच गया, ये हमारा मान लो A1 है, परपेंडिकुलर आप अपना दूर डाल दीजिए, ठीक है? तो ये A1 है, इसका मतलब अब परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया, हाइपोटेनस ये हो गया, बेस बनेगा, बेस जो था वो बन गया। तो इसका मतलब हुआ कि जैसे जैसे एंगल छोटा होगा वैसे वैसे आपका परपेंडिकुलर कम होता जाएगा और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, घटता जाएगा, और हाइपोटेनस भी आपका क्या हो जाएगा, घटता जाएगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस दोनों ही घटते जाएंगे। अब अगर इस एंगल को और छोटा किया जाए तो परपेंडिकुलर बेस और घट जाएंगे, और छोटा किया जाए तो परपेंडिकुलर बेस और घट जाएंगे, फिर अंत में अगर हम जीरो कर देंगे तो ये परपेंडिकुलर और ये लाइन इसी पर आ जाएगी, तो आपका परपेंडिकुलर तो रही नहीं जाएगा। इसका मतलब है कि जब थीटा, हाँ, कि वेन थीटा बिकम्स 0 डिग्री देन तब क्या होगा, तब परपेंडिकुलर, देखो जब थीटा 0 होगा तो लाइन सीधी हो जाएगी क्योंकि थीटा गिरते गिरते यहां आ जाएगा, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 0 और बेस और हाइपोटेनस क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर, क्योंकि जब इसी गिर गई तो यही हाइपोटेनस यही बेस दोनों ही आपस में बराबर। अब इन दो बातों को याद करके हम सारी वैल्यूज को निकाल सकते, जैसे साइन थीटा, तो साइन थीटा के लिए परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस चाहिए, तो परपेंडिकुलर आपका 0 है, हाइपोटेनस की जगह जो भी बन जाए वो लिख लो, ठीक। इसके बाद कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, और बेस आपका, बेस और हाइपोटेनस दोनों ही सेम है, इसको हम लेट कर लेते हैं ए लेट कर लेते हैं, तो दोनों जगह पर हम ए रख देंगे, तो ए और ए कट जाएगा तो बना जाएगा। इसी तरह अगर हम टेन थीटा निकाले तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर आपका कितना है, 0 है, बेस आपका ए है, तो 0 आ जाएगा। अगर इसी तरह कॉट थीटा निकालते तो वो होता है बेस अपान परपेंडिकुलर, तो ये ए अपान 0, अच्छा अपान में जब 0 आता है तो उसे नॉट डिटरमाइंड कह देते, अपरिभाषित कह देते हैं, या तो इनफाइनाइट कह देते, इनफाइनाइट अंग्रेजी का आठ की तरह बनता है, लेटा होता है। ऐसे ही आप सेक निकाल सकते हो, अगर हम सेक थीटा निकालेंगे तो सेक थीटा होता है एच बाई बी, एच की जगह हमें कितना लिखना है, एच की जगह में एच और बी दोनों ही बराबर है तो ए ए लिख के वन हो जाएगा। फिर अगर हमें कॉसेक थीटा निकालना है तो होता है एच पाई पी, एच आपका ए है और पी आपका 0 है, तो आंसर इनफाइनाइट आ जाएगा, अपान में 0 आने पर इनफाइनाइट। तो इस तरह मैंने एंगल 0 के लिए सारी वैल्यूज को निकालना पड़ेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे फॉर एंगल 90 डिग्री के लिए वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो फिर हम सोचेंगे फॉर एंगल 90 डिग्री, ठीक, 90 डिग्री के लिए समझने के लिए अब हमें एंगल को 90 करना है, तो हमें पता है कि जो भी राइट एंगल ट्रायंगल में बनता है वो एक्यूट होता है, क्या होता है, एक्यूट एंगल बनते हैं, तो अगर थीटा यहां होगा तो एक्यूट होगा। अब मुझे यहां पर थीटा को मुझे 0 करना था, ये वाला जो थीटा था जो ओरिजिनल में पहले लिया था उसे हमें 0 तक ले जाना था, तो मैंने थीटा को गिराया था, अब मुझे थीटा को उठाना है 90 तक पहुंचाना है एक्यूट से, तो 90 मतलब ये वाला एंगल पाना है, और आपको पता है एक ही एंगल 90 होता है,
ऐसा तो मुश्किल है पाना। तो कैसे बढ़े थीटा, तो थीटा बढ़ाने के लिए हम अगर इसको यहां ले रहे हैं तो आपको पता होगा ये एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल के दोनों इंटीरियर के सम होता है, मतलब ये वाला एंगल ये थीटा वन हो ये थीटा टू हो, तो यहाँ थीटा टू थीटा वन से बड़ा होगा, क्योंकि ये आपने पढ़ा होगा बहिष्कोण सम्मुख अंतःकोणों के योग के, इन दोनों के ये योग के बराबर होगा, मतलब इससे बड़ा तो होगा, इसका मतलब बढ़ा। और इधर ले जाओ और बढ़ेगा, और इधर ले जाओ और बढ़ेगा, अंत में जब इस पे आ जाएगा तब आपका एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तो तब तक ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, ये थीटा थ्री हो गया थीटा फोर हो गया, अंत में जब यहां आ जाएगा तो 90। इसका मतलब है कि जब थीटा, हाँ वही लिखो कि जब थीटा बिकम्स टू, इसको बिकम्स समझ ले 90 डिग्री, देन क्या होगा, तब आपका जो है, तब देखो जब आप थीटा को 90 करते तो आप इधर से खिसकते खिसकते यहां पहुंच जाओगे, तो उस स्थिति में आपका बेस चले गया, क्योंकि आपको पता थीटा ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस ये बेस, जब आप थीटा को बढ़ाते बढ़ाते यहां पहुंच गए तो बेस आपका क्या हो गया और हाइपोटेनस ये इसी पर आ गया, ये अंत में आप यहां ले लो, देखो पहले आपने थीटा ये लिया हाइपोटेनस ये, फिर थीटा ये लिया तो बेस ये हुआ हाइपोटेनस ये हुआ, फिर थीटा ये बढ़ाया तो बेस ये हो गया हाइपोटेनस ये हो गया, फिर थीटा यहां तक बढ़ाया तो बेस ये हो गया हाइपोटेनस ये हो गया, फिर जब थीटा तुमने 90 लिया तो बेस ये हाइपोटेनस ये हो गया और बेस आपका जीरो हो गया, क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर ये हो, तो थीटा जीरो होने पर बेस आपका जीरो होता है और परपेंडिकुलर बराबर हाइपोटेनस हो जाता है, अर्थात दोनों को ए लेट किया और फिर हम इन दोनों की सहायता से सारी बातें पता होना चाहिए। 90 करने पर क्या होगा, बेस आपका चला जाएगा। ठीक है, तो इससे अगर हम साइन थीटा निकालते हैं तो क्या आएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है ए, हाइपोटेनस भी कितना है ए, कट के कितना है वन आएगा, कॉस थीटा निकालेंगे तो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है जीरो, हाइपोटेनस कितना है ए, तो कट के जीरो आएगा, फिर इसी तरह निकालेंगे टेन थीटा, तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आपका ए है ये जीरो है इनफाइनाइट है, और थीटा निकालेंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर ये जीरो है ये ए है जीरो आ जाएगा, फिर हम निकालेंगे सेट थीटा एच बाई बी, एच आपका कितना है, एच आपका ए है और बी आपका जीरो है इनफाइनाइट आ जाएगा, फिर हम निकालेंगे कोसेक थीटा, ये एच बाई पी होता है तो ये भी ए है कट के वन आ जाएगा, तो इस प्रकार हमने जीरो और 90। अब हम इसकी टेबल पढ़ेंगे, टेबल बनाना सीखेंगे, ठीक है आप इसको नोट करिए आगे। चलिए अब हम इसकी टेबल को बनाना सीखते हैं, तो हम आपको ऐसा बताएंगे कि आपको पूरी टेबल आसानी से याद हो जाए। तो देखिए पहले साइन के मान कैसे निकालते हैं, वो मैंने निकालना बता दिया, लेकिन हम तो साइन के मान निकालने का तरीका है, पहले लिखो जीरो वन टू थ्री फोर, फिर सबको फोर से डिवाइड कर दो, फोर फोर फोर, और फिर सबका रूट ले। अगर आपको वैल्यू नहीं याद है, नहीं तो सबसे बढ़िया तरीका होता है साइन की वैल्यू आप याद कर लीजिए, बाकी आप निकाल लीजिएगा ज्यादा बेटर रहता है, ना याद हो तो आप ऐसे बनाइए। तो जीरो बाई फोर जीरो होगा, जीरो का रूट भी जीरो होता है, अच्छा एक का रूट वन होता है और चार का रूट दो होता है, यहां कट जाएगा तो नीचे दो आ जाएगा, और वन का रूट वन ही आएगा, दो का रूट निकलेगा नहीं रूट टू आ जाएगा, यहां पर तीन का रूट नहीं निकलेगा तो रूट थ्री आ जाएगा, नीचे टू आ जाएगा, यहां सब कुछ कट गया तो एक आया। ठीक है, तो साइन जीरो की वैल्यू क्या है, साइन जीरो जीरो हो गया, साइन तीस वन बाई टू हो गया, साइन 45 इज इक्वल टू वन बाई रूट टू, साइन 60 इज इक्वल टू रूट थ्री बाई टू, थीटा नहीं लगाना चाहिए यहां पर क्योंकि थीटा तो हम बोलेंगे। ठीक है, और साइन 90 इज इक्वल टू वन हो गया। इसके बाद आता है अब कॉस की वैल्यू क्या लिखेंगे, तो कॉस की टेक्निक ये होता है कि देखो जीरो, पहले आप ये याद रखो कि जीरो आपका ये आपका ज्यादातर होगा जीरो 90 से बदलता है और 30 60 से बदलता है और 45 नो चेंज होता है, और कौन कौन आपस में ये काम करते हैं, तो साइन और कास आपस में बदलते हैं ये चीजें, टेन और काट आपस में दोनों लोग ये चीजें बदलते हैं, और सेक और कोशेक आपस में
बदलते हैं। कौन? जो वैल्यू जीरो होगी वो उसकी दूसरे की 90 होगी, और जो उसकी 90 होगी वो जीरो बदल जाएगी। तो जैसे साइन का आपस में बदलते हैं, तो साइन की जीरो की वैल्यू जीरो है तो वो 90 में चली जाएगी, और 90 की वैल्यू यहाँ आ जाएगी। 30 की वैल्यू 60 में चली जाएगी, और 60 की वैल्यू 30 में चली जाएगी, और 45 नो चेंज, 45 आपका वैसे रहेगा। अब आता है टेन थीटा कैसे निकालेंगे। तो आपने पढ़ा होगा टेन थीटा को हम साइन थीटा बाई कॉस थीटा कहते हैं। तो आप समझ लीजिए ये इमेजिनरी अपान की लाइन है, तो 0/1 कितना होगा, 0/1 जीरो होगा। यहाँ 1/2 1/√3/2 कैंसिल हो गया, तो 1/√3 आ जाएगा। यहाँ यह अपान की लाइन मानो तो ये पूरा कट गया, जीरो आ गया। यहाँ यह अपान की लाइन मानो 2/2 कैंसिल हो गया, √3 आ गया। यहाँ यह अपान की लाइन मानो तो 1/0 क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया, ठीक है। और फिर मैंने क्या बताया, टेन कॉट भी आपस में चेंज होते हैं, तो इसके जीरो की वैल्यू कहाँ चली जाएगी, 90 में चली जाएगी। 90 की वैल्यू कहाँ चली जाएगी, जीरो में चली जाएगी। इसकी 30 की वैल्यू कहाँ चली जाएगी, 60 में चली जाएगी। 60 की वैल्यू कहाँ जाएगी, 30 में जाएगी। और 45 सॉरी ये कट के 1 आया, तो यहां भी क्या आ जाएगा, 45 नीचे 1 आ जाएगा। अब आता है सेक कैसे निकालेंगे। तो आपने पढ़ा होगा सेक को 1/cos कहते हैं। तो आप देखिए जो cos की वैल्यू है उसे पलट दीजिए, क्योंकि 1/ करना है, तो 1/1 1 ही होगा। इसको पलटोगे तो 2/√3 आ जाएगा, इसको पलटोगे √2 आ जाएगा, इसको पलटोगे 2, 0 को पलटोगे तो 1/0 लिखोगे, 1/0 इनफाइनाइट होता है। और फिर वही बात आ जाएगी, कॉसेक की वैल्यू यहां लिख दो और 2 लिख दो, ये 90 वाला 0 में चला जाएगा, 60 वाला 30 में चला जाएगा, 45 चेंज नहीं होता है, और 60 में 30 वाली वैल्यू आ जाएगी और 90 में आपके 0 की वैल्यू आ जाएगी। तो इस प्रकार हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की टेबल तैयार होती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं जिनमें वैल्यू रखना होता है और वेरीफाई करने होते हैं, ये सारे क्वेश्चन हाई स्कूल में आते हैं और बहुत ही सरल होते हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। हाँ, अब यहाँ पर ये ध्यान दीजिए, देखो अगर आपको लर्न कितना करना, देखो मोस्टली लर्न तो ये टेबल बच्चों को अपने आप हो जाएगी, लेकिन तब तक के लिए आप साइन लर्न कीजिए, कॉस लर्न कीजिए, टेन लर्न कीजिए, बाकी पलट लिया जाता है। वैसे बहुत बच्चे साइन लर्न कर लेते हैं, टेन लर्न कर लेते हैं, बाकी इधर उधर कर लेते हैं, जैसे सेक है तो उस समय पलट जाता है, सेक 1/cos है तो सेक को 1/sin कह सकते हो, तो ये सब हम पलट लेते हैं, इसलिए सेक को सेक को इतना नहीं याद करता, वो जल्दी से पलटना सीख लेना। बस आप साइन कॉस और टेन उसमें साइन याद करो तो पलट लोगे, ठीक है, और बनाने की भी प्रैक्टिस करे जब तक याद नहीं हो जाता है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके आगे